नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे 4 मई से जारी होने वाली गाइडलाइन की, अर्थव्यवस्था पर राहुल गांधी की चिंता की, जानेंगे उद्धव सरकार गिरने से क्यों होगा बीजेपी को नुकसान, शिवराज सरकार में अन्नदाता क्यों है परेशान, और आखिर में बात रोजगार देने में नंबर वन बने छत्तीसगढ़ की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के मजदूरों और छात्रों को लेकर लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा आज आपकी बारी है, कल वक्त आने पर चुनाव में जनता देगी जवाब। कोटा से छात्रों को लाने की तैयारी में दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कोटा में फंसे हैं दिल्ली के करीब 800 छात्र। विश्वविद्यालयों को सेमेस्टर परीक्षा के लिए यूजीसी ने भेजी सिफारिश, कहा जुलाई से ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा का करें आयोजन। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पर सस्पेंस, 3 मई को हो सकता है फैसला, पुरी जिले की सीमाएं सील करके रथ यात्रा निकालने पर भी विचार, रथ का निर्माण हुआ शुरू। घर खरीदने वालों को बड़ी राहत, सरकार जल्द जारी करेगी दिशा निर्देश, बंद के चलते रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ा बुरा असर। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स 997 अंक और निफ्टी 307 पॉइंट ऊपर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में मौजूदा स्वास्थ्य हालात में सरकार लोगों की परेशानी को कम करने के लिए कई तरह की कोशिशें कर रही है, बावजूद इसके स्वास्थ्य परेशानी और उससे उपजी समस्या से पार पाना इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी बीच अब सरकार 4 मई से नई गाइडलाइन लाने पर विचार कर रही है, तो क्या होगी ये गाइडलाइन, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। देश में बढ़ते संक्रमण के बीच पूर्णबंदी खोलने या आगे बढ़ाए जाने को लेकर फैसला होना बाकी है। इसी मुसीबत से पार पाने के लिए 3 मई तक देशव्यापी बंद लागू है, जिसकी अवधि 3 मई को पूरी हो रही है। इस बीच गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि 4 मई से नई गाइडलाइन लागू होगी। इस बीच गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से ट्वीट कर बताया गया कि इस समस्या से निजात पाने के लिए नए दिशा निर्देश 4 मई से लागू होंगे, जिससे उम्मीद है कि कई जिलों को राहत मिलेगी। नई गाइडलाइन के अनुसार 4 मई से कई जिलों में पर्याप्त ढील दी जाएगी। लॉकडाउन में फंसे मजदूर छात्र अपने घर जा सकेंगे, कुछ शर्तों के साथ गंतव्य तक जाने की अनुमति मिली है। प्रदेशों को इसके लिए नोडल अधिकारी बनाने होंगे। राज्य में फंसे हुए लोगों का पंजीकरण भी करना होगा। राज्यों में रेड जोन में प्रतिबंध बरकरार रह सकता है और इन जोन में छूट मिल सकती है। ग्रीन जोन वाले इलाकों में राज्य दे सकते हैं छूट। फिलहाल इस रणनीति को कैसे अमल में लाया जाएगा, इस पर अब तक तस्वीर साफ नहीं है। इस बीच राज्यों की चिंता संसाधनों को लेकर बढ़ रही है। राज्य एक तरफ पूरी छूट देने को लेकर खुद हिचकिचाहट में है, तो वहीं उनकी चिंता ये भी है कि बंद की वजह से प्रभावित बड़ी आबादी को राहत कैसे पहुंचाएं। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, सरकार ने लॉकडाउन 3 की तैयारी कर ली है, शायद इसीलिए कामगारों को घर वापसी की इजाजत भी दे दी गई है। लेकिन राजीव जी, यहाँ सवाल ये है कि जब मजदूर नहीं होंगे तो उद्योग धंधे कैसे चालू होंगे? क्या सरकार मजदूरों की रोजी रोटी और उद्योग जगत के बारे में कोई रणनीति नहीं बना पा रही है? क्या सरकार कारोबारियों को नजरअंदाज कर रही है? देखिए मीनाक्षी, पहली बात तो यह है कि इतने दिनों तक मोदी सरकार आखिर कहाँ थी? जब लोग पैदल अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े थे तब कहाँ थी? जब इस लॉकडाउन की वजह से लोगों को खाने के लाले पड़ गए थे तब मोदी सरकार कहाँ थी? और कई प्रवासी मजदूरों और कामगारों की जब नौकरी चली गई, जिस घर में वो किराए पर रहते थे वहाँ से निकाल बाहर कर दिए गए, तब मोदी सरकार को आखिर उनकी चिंता क्यों नहीं हुई? अब जब लॉकडाउन पार्ट 2 खत्म होने वाला है तब आप नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि राज्य सरकारें चाहें तो अपने अपने लोगों को आपसी सहमति से वापस बुला सकती हैं। पहली बात तो ये है कि इसके लिए राज्यों के ऊपर दबाव कौन बनाएगा? जैसे बिहार के मुख्यमंत्री तो पहले ही अपने राज्य के प्रवासियों को बुलाने से मना कर चुके हैं। आपको याद होगा कि RJD के नेता जो तेजस्वी यादव हैं वो लगातार मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बना रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर इतने दिनों बाद ये प्रवासी कामगार अपने घरों तक पहुँच भी जाते हैं तो इनके जीवन यापन की क्या व्यवस्था होगी? अभी तक तो अपने घर बार को छोड़कर जीवन यापन के लिए ही किसी और राज्य में ये चले आए थे, अब तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसी तरह अगर कामगार अपने अपने घरों को चले जाएंगे तो फिर कल को जब लॉकडाउन हटेगा तब उन फैक्ट्रियों और ऑफिसों में काम करने के लिए लोग कहां से आएंगे? क्योंकि अब तक जिनके सहारे फैक्ट्रियां चलती थीं वो तो घर वापस चले गए और इतनी जल्दी शायद ही वो लौट कर आएंगे। कुल मिलाकर मोदी सरकार के पास न कोई प्लान है और न ही कोई विजन। हालांकि आज ही रघुराम राजन जो RBI के पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने बहुत वाजिब सलाह राहुल गांधी के जरिए मोदी सरकार को दी है कि उद्योग को चालू रखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, जिससे न किसी को आर्थिक परेशानी आएगी और न ही देश में कोई अफरा तफरी का माहौल पैदा होगा। लेकिन ये मोदी सरकार है मीनाक्षी, यहाँ सिर्फ सरप्राइज चलता है।
बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। गर्त में जाती भारतीय अर्थव्यवस्था मोदी सरकार के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। कई अर्थशास्त्रियों ने मोदी सरकार को सलाह भी दी, लेकिन उसके बावजूद सरकार के पास अभी तक स्थिति सुधारने के लिए कोई दमदार रणनीति नजर नहीं आती। लिहाजा विपक्ष अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कांग्रेस की नई मुहिम के तहत आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को लेकर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बात की है। पिछले करीब एक महीने से देश में पूर्णबंदी लागू है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और जीडीपी ग्रोथ लगातार घट रही है। सरकार से बेहतर रणनीति की उम्मीद थी, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी नजर आ रही है। लिहाजा विपक्ष को अर्थव्यवस्था की चिंता सताने लगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मामले को लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से अर्थव्यवस्था को लेकर आज कई पहलुओं पर चर्चा की। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उद्योग धंधों को खोलने पर राहुल ने रघुराम राजन से सवाल किया तो उन्होंने कहा, दूसरी बार पूर्णबंदी लागू करने का मतलब है कि आप हटाने को लेकर कोई सही तैयारी नहीं कर पाए। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या अभी पूर्णबंदी आगे बढ़ाई जाएगी। अगर हम सोचे कि मामले न मिलने पर खोला जाएगा तो यह संभव है। इस वक्त गरीबों की मदद करना जरूरी है, जिसके लिए सरकार के करीब 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस दौरान राहुल गांधी और रघुराम राजन देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी चिंतित दिखे। राजन ने फूड, हेल्थ और एजुकेशन के मामले में अच्छा काम करने वाले राज्यों की तारीफ की, साथ ही मौजूदा सरकार के लिए लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा, लोगों को सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं रखा जा सकता, ऐसे लोगों के लिए सरकार को रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। साथ ही मौजूदा समय में वर्क प्लेस को सुरक्षित करना जरूरी है। इस दौरान राहुल गांधी और रघुराम राजन ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मास टेस्टिंग को जरूरी बताया, लेकिन अगर सरकार की बात करें तो मास टेस्टिंग को लेकर तैयारियां नजर नहीं आ रही और अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार कोई बड़ा कदम उठाने में फिलहाल हिचकती दिख रही है। देखना है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कड़े कदम उठाती है। अब जहां देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विपक्ष चिंतित नजर आ रहा है, तो वहीं चिंता के काले बादल तो फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर भी मंडरा रहे हैं। कुर्सी रहेगी या जाएगी, यह अब राज्यपाल के फैसले पर टिका है, लेकिन राज्यपाल फैसले को टालने में लगे हैं। वहीं अगर राज्यपाल की ओर से हो रही देरी के कारण उद्धव को कुर्सी छोड़नी पड़ी तो इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे और इसका बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर बना सस्पेंस खत्म होने के लिए शिवसेना राज्यपाल के फैसले पर नजरें गड़ाए बैठी है, लेकिन राज्यपाल हैं कि कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। विधान परिषद सीट के लिए उद्धव को मनोनीत करने के फैसले को टाला जा रहा है। अगर राज्यपाल कोटे से उद्धव को एमएलसी बनाने का फैसला नहीं होता तो 27 मई को उद्धव को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। महाविकास अघाड़ी सरकार ने 2 दिन पहले राज्यपाल से मुलाकात भी की, लेकिन अभी भी गेंद राज्यपाल के पाले में ही फंसी पड़ी है। राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो मौजूदा हालात में अगर बीजेपी उद्धव की कुर्सी को हिलाती है तो महाराष्ट्र में संवैधानिक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। राज्यपाल का कैबिनेट की सिफारिश पर फैसला लेने में देरी करना भी संवैधानिक रूप से अवैध और अनैतिक है। इससे उद्धव को जनता की सहानुभूति मिलेगी, इसके अलावा जनता में गलत संदेश भी जाएगा। मौजूदा मुसीबत के बीच अगर बीजेपी महाराष्ट्र के तिकड़म में खुद को उलझाती है तो जनता यही समझेगी कि बीजेपी सत्ता के खेल में उलझाकर ठाकरे सरकार के मौजूदा मुसीबत के बीच कराए जा रहे कामों में अड़ंगा डाल रही है। यानी महाराष्ट्र में सरकार की नाकामी के लिए जनता बीजेपी को जिम्मेदार मानेगी और शिवसेना भी इस जगत में सियासी मोहरे बिछाती नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री आशीष शेलार का कहना है, शिवसेना अपनी नाकामी का हमें क्यों जिम्मेदार ठहरा रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर ठाकरे की नियुक्ति के बाद शिवसेना ने अपने किसी एमएलसी से त्याग पत्र क्यों नहीं लिया, जिससे उद्धव उस खाली सीट पर निर्वाचित हो जाते। उद्धव के कुर्सी संभालने के बाद विधान परिषद की 2 सीटों के लिए चुनाव भी हुए थे। इन दोनों सीटों पर महाविकास अघाड़ी की जीत हुई थी। ठाकरे तब चुनाव लड़कर क्यों नहीं निर्वाचित हुए। कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र में मौजूदा मुसीबत के बीच सियासी गहमागहमी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर उद्धव की कुर्सी जाती भी है तो नुकसान बीजेपी को ही होता नजर आ रहा है। यानी महाराष्ट्र में हर सूरत में नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। वैसे फिलहाल बिहार में कोई सियासी नुकसान ना हो, इसके लिए राजनीतिक दल जमकर मेहनत कर रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव जहां नीतीश सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं सत्तारूढ़ दल विपक्ष पर मुश्किल वक्त में सियासी रोटियां सेकने का दोष मढ़ रहा है। लेकिन अब तो नीतीश सरकार में मंत्री भी ऐसे बयान दे रहे हैं जो साफ तौर पर चुनावी बिसात बिछाते नजर आ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अब तक राजस्थान के कोटा में फंसे छात्र और कामगारों का मुद्दा जब भी विपक्ष उठा रहा था तो सत्ता पक्षों से राजनीति करार दे रहा था, लेकिन अब तो बिहार सरकार में श्रम और संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ही कोटा मामले को लेकर विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है, जिसे सियासत के चश्मे से देखना गलत नहीं होगा।
जी हाँ, नीतीश के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार अपने कामगारों के लिए 24 घंटे काम कर रही है, लेकिन विपक्ष नौटंकी कर रहा है। विपक्ष नौटंकी ना करे। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष की जब सरकार थी तब उन्होंने ऐसा गलत माहौल कायम किया कि बच्चे कोटा पढ़ने गए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पाप का नतीजा है। साथ ही उन्होंने कहा विपक्ष को शर्म आनी चाहिए और राहत कार्य में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन ये नौटंकी कर रहे हैं। वातावरण को भी राजनीतिक ईर्ष्या से खराब कर रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, इसीलिए ये बाहर पढ़ने के लिए मजबूर हो गए। अब जाकर सरकार यहाँ मेडिकल, इंजीनियरिंग, IIT और दूसरे वोकेशनल इंस्टीट्यूट खोल रही है। विपक्ष कुछ कर तो नहीं रही है, लेकिन माहौल जरूर खराब कर रही है। वहीं JDU के प्रवक्ता राजीव रंजन ने मंत्री विजय सिन्हा के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बिहार कांग्रेस और RJD के नेतृत्व में बिहारवासियों का बाहर जाने का आंकड़ा बहुत ज्यादा था। विजय कुमार सिन्हा के इस बयान का JDU ने तो समर्थन किया है, वहीं RJD क्या प्रतिक्रिया देती है ये देखना होगा। अब जहां बिहार में कामगारों और छात्रों को लेकर सियासत में उबाल आ रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में इस वक्त राजनीति में अन्नदाताओं का मुद्दा छा रहा है, जिसे लेकर BJP और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। जी हां, सूबे की सरकार कर्ज माफी योजना की समीक्षा करने के नाम पर कमलनाथ को घेर रही है, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने भी करारा जवाब देते हुए सिंधिया को बिना नाम लिए जमकर आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश की सियासत में हमेशा अन्नदाताओं की परेशानी का मुद्दा अहम रहा है। 2018 में इसी मुद्दे ने शिवराज सरकार को सत्ता से बाहर किया था और कमलनाथ सरकार सत्ता में आई। कमलनाथ ने अन्नदाताओं के लिए कर्ज माफी योजना लागू की, लेकिन अब सरकार ने उस योजना को भी बंद करने का मन बना लिया है। शिवराज सरकार की ओर से कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसान ऋण माफी योजना को धोखा देने वाली योजना बताते हुए इसे बंद करने के संकेत दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने योजना बंद किए जाने पर सड़क पर उतरने की बात कही है। साथ ही हाल ही में BJP में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आड़े हाथों लिया है। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया है, शिवराज बंद करेंगे किसान कर्ज माफी योजना। अब देखते हैं श्रीयंत सड़कों पर कब आते हैं। आपको बता दें, कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया अन्नदाताओं की कर्ज माफी को लेकर तत्कालीन CM कमलनाथ को लगातार घेरा करते थे। कई बार तो सिंधिया को अन्नदाताओं के मुद्दे पर कमलनाथ को उनके वादे याद करवाते घेराबंदी करते हुए देखा गया था। और अब जब शिवराज सरकार कर्ज माफी योजना को बंद करने की ओर कदम बढ़ा रही है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार बदलते और BJP का दामन थामते ही सिंधिया भी बदल गए हैं, या फिर उन्हें अब भी अन्नदाताओं की फिक्र है? क्या सिंधिया एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर मुखर होंगे? अब सवाल तो कई है, जिससे जाहिर है अन्नदाताओं का मुद्दा सूबे में एक बार फिर गर्माने वाला है। और बुलेटिन के आखिर में बात रोजगार देने में नंबर वन बने छत्तीसगढ़ की। देश के स्वास्थ्य हालात खराब होने के साथ ही अर्थव्यवस्था भी डवाडोल होती जा रही है। देश में तालाबंदी जारी है और इसी बीच छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार हालात सुधारने के लिए जमकर मेहनत कर रही है। जी हां, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो काम बघेल सरकार ने किए हैं, उससे छत्तीसगढ़ को नंबर वन बना दिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में जारी स्वास्थ्य मुसीबत से बचाव के लिए देश में लागू पूर्णबंदी के दौर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने और ग्रामीणों की आजीविका की हिफाजत करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रशासन व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। तालाबंदी में मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अभी पूरे देश में पहले स्थान पर है। जी हां, देश भर में मनरेगा के काम में लगे कुल कामगारों में से करीब 24% अकेले छत्तीसगढ़ से हैं। ये संख्या देश में सर्वाधिक है। प्रदेश की 9,883 ग्राम पंचायतों में चल रहे विभिन्न मनरेगा कार्यों में अभी 18,51,536 श्रमिक काम कर रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव ने इस कठिन दौर में भी मनरेगा के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए सरपंचों की सक्रियता और तत्परता की सराहना की है। उन्होंने सराहनीय कार्य के लिए सरपंचों के साथ ही मनरेगा की राज्य इकाई और जिला और जनपद पंचायतों की टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मुसीबत की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच ये बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश भर में इन सबकी मिलीजुली कोशिशों से कार्यस्थल पर जरूरी शारीरिक दूरी बनाकर, मुंह ढककर और स्वच्छता मानकों के साथ मनरेगा कार्यों के जरिए श्रमिक परिवारों को राहत पहुंचाई जा रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मनरेगा कार्यों में भी पूरे देश में 77,85,990 कामगार शामिल हैं, जिनमें 18,91,536 कामगार अकेले छत्तीसगढ़ से हैं, जो कुल कामगारों की संख्या का करीब 1/4 है। लिस्ट में 14% हिस्सेदारी के साथ राजस्थान दूसरे, 12% भागीदारी के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें, देशव्यापी पूर्णबंदी के बावजूद मौजूदा वित्त वर्ष में भी पिछले वर्ष की ही तरह मनरेगा में प्रदेश का बेहतरीन प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदेश में मनरेगा के तहत ज्यादातर रोजगार देने में राजनांदगांव, जांजगीर चांपा और महासमुंद जिले शीर्ष पर हैं। यानी भूपेश बघेल सरकार ने मनरेगा को प्रदेश में सफल बनाने के लिए खूब मेहनत की है। उनकी मेहनत रंग लाई और छत्तीसगढ़ नंबर वन बन गया। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए DB Live। नमस्कार।